पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में जिस तरह तीसरे मोर्चे को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई, उससे ये साफ है कि वो अब सिर्फ वेस्ट बंगाल की सियासत तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं। उनकी नज़र राष्ट्रीय राजनीति पर है। यही वजह है कि ममता बनर्जी 2019 में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का तीसरा मोर्चा बनाना चाहती हैं। लेकिन क्या पीएम बनने का ममता बनर्जी का सपना पूरा होगा? क्या 2019 में दीदी को मिलेगी देश की ममता? दरअसल 2019 में तीसरे मोर्चे की गठन की संभावनाओं को तलाशने के लिए हाल ही में ममता बनर्जी ने दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 का एक फॉर्मूला सुझाया, यानी बीजेपी बनाम सब, और जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत हो वो अपने राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करे। लेकिन ममता के इस फॉर्मूले पर सहमति बनेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक दल के नेतृत्व में गठबंधन तो बनाना ही पड़ेगा, वरना चेहरा ही साफ नहीं होगा। अब तक ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधनों का नेतृत्व किसी राष्ट्रीय दल ने ही किया है। जब एनडीए मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा होगा तो विपक्ष को भी अपना नेतृत्व बताना ही होगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने और नतीजों के बाद नेता तय करने की बात विपक्ष की ताकत को कमजोर कर सकती है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान एनडीए भी इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस से इतर किसी को चेहरा बनाया जाता है तो फिर कांग्रेस नेतृत्व इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी स्वाभाविक कोशिश होगी कि जो भी गठबंधन या सरकार बने उसका नेतृत्व कांग्रेस के पास ही हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों का सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। कई क्षेत्रीय दल अपने प्रभुत्व वाले राज्य के इतर दूसरे राज्यों में भी सीटों की मांग कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और ओबीसी की पार्टी का हिस्सा मांगना स्वाभाविक होगा। वहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी भी हिस्से के लिए अड़ सकती है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ममता बनर्जी के अरमानों को पलीता लग सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।